Of a अब हमें समझना है, कि जो है उनका जो है, वो कैसे किया जाएगा? चलो पार्शियल इम्पोर्ट कम्पीटिंग विदॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्री अंडर सच इक्विबियम एनालिस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इज स्म एंड इज अमॉल इकॉमी

This is my price and this is my equilibrium, अब पार्शियल एनालिसिस जो है वो किस बेसिस पे रहता है पार्शियल एनालिसिस ये कहता है लेस दे सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ ठीक है आप लोग बहुत अच्छे से इसे कनेक्ट कर पाओ मान लो कार्स के बारे में जस्ट फॉर एनी रीजन की कंज्यूमर की इनकम कम होगी कोविड की जो सिचुएशन आई उसकी वजह से काफी लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई ठीक है तो लोगों की जो इनकम है वो कम हो गई और फिर कोविड नाइनटीन के बाद मतलब जो लोगों को लगा कि भाई घर पे बैठ जाते हैं आज कमाओ आज ही खत्म कर दो ठीक है तो घर पे बैठना पड़ गया तो बहुत सी सिचुएशन आ गई तो अब मान लेता हूँ ऐसी किसी सिचुएशन जैसे इनकम कम हो गई और लोगों की जो प्रेफरेंस भी है वो चेंज हो गई बिकॉज नाउ पीपल वॉन्ट टू सेव

बट सप्लाई तो अभी भी स्टिल कॉन्स्टेंट जितनी थी उतनी थी तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो इस सिचुएशन की वजह से क्या होगा प्राइसेस कम होंगे प्राइस के कम होने की वजह से स्टूडेंट दो जो एक साथ एक सीजर के दो ब्लेड कौन से होते हैं याद करो डिमांड सप्लाई तो लॉ ऑफ डिमांड भी काम करेगा और यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई भी काम करेगा तो अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो लॉ ऑफ डिमांड के केस में प्राइस कम होने पर क्या होता है डिमांड एक्सपैंड कर जाती है ठीक है बट अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई को लेके बात करता हूं तो प्राइस कम होगा तो लॉ ऑफ सप्लाई केस में प्राइस कम होने पे सप्लाई क्या होगी कम कम होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट तो होगा क्या कि डिमांड अगर मेरी एक्सपैंड होगी तो डिमांड कहां है यहां और स्टूडेंट डिमांड एक्सपैंड कहां पे होती है नीचे तो ये नीचे की तरफ को एक्सपैंड होते हुए यहां पहुंचेगी सप्लाई तो यही, की, यही थी पॉइंट e पे ही थी सप्लाई जो है वो क्या करेगी कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई भी नीचे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो द मार्केट विल बैक पे, Q पे. और हमने पढ़ लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और अब तक जो पढ़ लिया लेकिन student, अगर आप के हैं, तो sure के आपने ये वाला केस जरूर पढ़ा होगा भाई ये स्पिल ओवर इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं ये तो तुमने सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर ली लेकिन अभी ये सोच के देखो कार्स के डिमांड कम की वजह से कहीं ना कहीं स्टील की डिमांड कम हो गई होगी स्टील की डिमांड के, के कम होने के साथ साथ रबर की डिमांड कम हो गई हैं गाड़ियों के लिए रबर की डिमांड कम हुई है मतलब मैं ये, ये नहीं कह रहा कि स्टील की वजह से रबर मैं ओवरऑल बात करूँ की क्या क्या चीजें कम स्टील की डिमांड कम हुई होगी रबर की डिमांड कमी होगी जो कार की इंटीरियर बनाती है जो कंपनीज उनकी डिमांड कम हो गई होगी और उन इंटीरियर तो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कम हो गया होगा गाड़ी में शीशे भी होते हैं तो वो जो शीशे बनाने वाली जो गई होगी हो तो तो छोड़ दिया बट वॉट अबाउट डीज इंडस्ट्री ये तो कहीं नहीं पहुंची ना तो ये चीज आपको समझनी है ठीक है ये चीज इफेक्ट में जाता है तो जब हम सिर्फ इतना इतना पोर्शन पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो जाता है ये आपके पास बन जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस तो पार्शियल के अकॉर्डिंग ही है है वो कह रहा है कि जब हम स्मॉल नेशन की बात कर रहे हैं इंपोजिंग टाइप और इंपोर्टेड कंपीटिंग विद द आउटपुट ऑफ अ स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्री की छोटी सी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ठीक है हमने बस उसी को ध्यान में रखा उसी के लिए हमने इंपोर्ट लगा दिए अंडर सच इक्विलिब्रियम एनालिसिस द चेंज इन द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इज स्मॉल जो चेंज होता है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में बहुत छोटा होता है मार्केट कंसर्न एज स्म पार्ट ऑफ इट एंडोनोमी है इतनी छोटी मार्केट है कि उसके बाकी के साथ कुछ खास लिंकेजेस भी नहीं है ठीक है तो इसलिए जब आप टेरिफ लगाएंगे वो ना ही वर्ल्ड प्राइसिस को कुछ इतना इंपेक्ट करने वाला है ना ही डोमेस्टिक लेवल पे बट Under the general equilibrium framework, where nation is large enough to affect the world prices when it trades, in such a situation, imposition of a tariff by a large nation reduces the volume of trade but improves the nation's terms of trade. While decline in the volume of trade reduces nation's welfare, the improvement in the nation's terms of trade increases the nation's welfare. The net effect of these two opposing forces suggests whether the nation's welfare will rise or fall.

तो उस टाइम पे स्टूडेंट लिटरली जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स थे ठीक है लैपटॉप के कंपोनेंट्स गेमिंग के गेमिंग का तो क्या सेमी कंडक्टर की वजह से हुआ था और उसमें माइनिंग का भी एक रोल है तो उसको हटा देते हैं बट बहुत सारे लैपटॉप के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि चाइना से ट्रेड रोक दिया गया था तो अगर आपकी कोई एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड प्राइस को अफेक्ट कर सकती है तो वहां पे जनरल की बात आती है।, trade, तो जो है वो कम हो जाएगा ठीक है लेकिन आपका नेशन का वेलफेयर होगा वाइल डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रिड्यूसेस द नेशन वेलफेयर क्यों क्योंकि आप देखो ना आप रोक रहे हो तो अगर आप बोलोगे कि इतना टैरिफ जो है उसको हटाओ या चार्ज करो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा रेट दिया जाएंगे तो ये आपका फायदा रहता है राइट ठीक है सो so, आगे हमें क्याकाय टैरिफ इज एन इंपोर्टेंट टूल ऑफ ग्लोबल कमर्शियल पॉलिसी दो इट इज अ इट इज प्राइमली अ प्रोटेक्शनिस्ट डिवाइस अगर हम पहले से देखे जाए तो पहले के टाइम पे ये कुछ खास कमाने का टूल नहीं था मतलब मेजरली जो इसका काम था वो किस चीज का था मेन इसका काम ये था कि किसी भी तरीके से आप अपनी कंट्री को फॉरेन के कंपटीशन से बचा सके ताकि आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रो सके लेकिन ठीक है बाद में ये समझ में आया दो धारी तलवार डबल एच वेपन ऑन वन हैंड इट लिमिट्स कंज्यूमर्स चॉइस बाय फोर्सिंग देम टू कट कंजम्पशन ऑफ द गुड्स दे लाइक ऑन द अदर हैंड इट शिफ्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर रेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू फर्दर द इफेक्ट ऑफ द टैरिफ्स इज टू चेंज द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडल बॉगर्स

अब स्टूडेंट यहाँ पे ना प्रॉब्लम होता है कि जो हमारे कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कहीं ना कहीं कंट्री में आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको भी उसको मेंटेन करना है साथ साथ में जो फॉरेन करेंसी का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ठीक है तो उसको भी उसको मेंटेन करना है तो कई बार ही वो देखता है कि यार इतना नेसेसरी आइटम तो गोल्ड है नहीं ठीक है भाई किसी भी तरीके से इसके जो कंजम्पन है इसके इम्पोर्ट को रोका जाए तो वो क्या करता है कई बार जो गोल्ड का इम्पोर्ट होता है उसके जो टैरिफ होते हैं उसके ऊपर उसको क्या कर देता है डबल ठीक है जब वो टैरिफ को डबल करता है तो उससे जो इकोनॉमी है एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है स्टूडेंट्स कि भाई टैरिफ डबल हो गया अब उनको प्रॉब्लम है कि यार अगर टैरिफ जो है वो डबल हो जाएगा ठीक है तो उससे दिक्कत क्या आएगी उससे दिक्कत ये आएगी कि हम कहा से पे करेंगे तो लोग इंपोर्ट करना छोड़ देते हैं इंपोर्ट करना छोड़ेंगे तो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी अब ये समझ लो कि डिमांड का वेड पर शिफ्ट होगा तो उससे रेट ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल हो जाएंगे तो वही बात है कि कंजम्पशन इफेक्ट में दिखाया गया कि उस चीज की कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं प्रोडक्शन इफेक्ट टैरिफ द ऑफ कंपीटिंग गुड्स गिविंग प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर क्योंकि आप टैरिफ की वजह से उन चीजों को इम्पोर्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनको मौका दे रहे हो कि भाई इंपोर्ट नहीं हो रहा तुम बनाओ उन चीजों को राइट नेक्स्ट रिवेन्यू इफेक्टिशन ऑफ अ टैरिफ ब्रिंग्स इन टू द गवर्नमेंट इट इज इक्वल टू द टैरिफ ड्यूटी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट इंपोर्टेड तो आप सोच के देखो ना यहां पे अगर तुम फिर भी गोल्ड को इंपोर्ट करते चले गए तो सरकार को क्या है जो लोग अमीर है वो तो इंपोर्ट कर भी सकते हैं तो जिनके पास अच्छी वेल्थ है वो तो इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे तो जब वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो आपको फायदा सरकार के तौर पर फायदा होगा ना कि आपको तो रेवेन्यू मिलना चाहिए तो आपका तो रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है तो ये आपके लिए भी फायदेमंद सिचुएशन बन, बन जाती है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट द टैरिफ रीडिस्ट्रीब्यूट्स पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन फेवर ऑफ द प्रोड्यूसर अब जो स्टूडेंट्स कंज्यूमर सरप्लस नहीं जानते पहले मैं उनको वो बता दूं व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ना आप आप कनेक्ट कर पाओगे इजीली इस बात को भी देखो एक मैं आपको बात बता रहा हूं मैं भले ही आपको ये सब्जेक्ट समझा रहा हूं लेकिन आप लोग एक बात समझो ध्यान में रखो आप कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो ना ठीक है खासकर थियोर सब्जेक्ट सुन देखो ये एक ना मित सा दिमाग में चलता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इज समथिंग जिस जो हम मानते हैं हमारा मानना यह होता है कि जिस सब्जेक्ट में भी न्यूमेरिकल है कोई पैटर्न कोई फॉर्मूलाज है उसे हम प्रैक्टिकल बोल देते हैं तो हमें लगता है कि यार वो मैं आसानी से कर लेता हूं यार उसका एक पैटर्न है हद से दो तीन चार पांच एंट्री आप चेंज कर दोगे मैं मैथ्स के फॉर्मुलास की बात करूं या सिचुएशंस की बात करूं या अकाउंटेंसी के अंदर जो पास एडजस्टमेंट की एंट्री आती है कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बट एक पैटर्न है उस पैटर्न के इर्द गिर्द ही वो क्वेश्चन रहना है ठीक है और जब हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आते हैं तो वो हालात काफी बदल भी चले जाते हैं बदलते भी जाते हैं ठीक है श्योर आप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे क्योंकि आप पढ़ते हो लेकिन जो प्रैक्टिकल है 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 वो थोड़ी अलग ठीक लेकिन हम प्रैक्टिकल मान के चलते कह रहे ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कर लेता हूँ जिसमें न्यूमेरिकल है थ्योरी नहीं हो पाती है मैं स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ थ्योरिटिकल सब्जेक्ट आर मोर रियलिस्टिक देन वो सब्जेक्ट जो आप न्यूमेरिकल बेस सोल्व करें क्यों थ्योरी अजमशन पे नहीं बनती हर थ्योरी पे नहीं होती बहुत सी थ्योरी वो थ्योरी है जो दुनिया कर रही है वो कर रही है उसको समझाने के लिए आपको थ्योरी दे दी जाती है तो बिजनेस स्टडीज की थ्योरी इकोनॉमिक्स की थ्योरी इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी ये वो थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी हिस्ट्री की थ्योरी ये वो चीजें हैं जो दुनिया में कहीं ना कहीं हो रही है या हो चुकी है एंड देन वो आपको समझना है सो so देट अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आप उससे मिलता जुलता कोई सिचुएशन ला सके राइट तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थ्योरी के सब्जेक्ट को ना रिलेट करके पढ़ना शुरू करो प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखने को मैक्सिमम टाइम मिल ही जाएगा अनलेस कोई हम वैसी थ्योरी पढ़ रहे हैं जैसे कि हमने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पढ़ा था कुछ अजम्शन वाली उनको छोड़ के बहुत सी थ्योरी ऐसी होती है जो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है ठीक है और या हो चुकी है तो तुम उसे रिलेट कर सकते हो तो कंज्यूमर सरप्लस बिटवीन व्हाट मैं, से से what... मैं जैसे समझाऊंगा ना आप में से बहुत मैं कह रहा मोर देन नाइनटी परसेंट स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं ना वो कनेक्ट कर लेंगे situation से डिफरेंस बिटवीन वॉट कंज्यूमर ज विलिंग टू पे एंड वॉट ई और शी एक्चुअली पेज तो सूरेंट समझो क्या एक कंज्यूमर पे करना चाहता है और क्या एक कंज्यूमर एक्चुअली में पे कर रहा है उसके बीच का डिफरेंस तो अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मुला निकालू तो फॉर्मुले के अकॉर्डिंग आएगा कि विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पे तो ये आपका कंज्यूमर सप्लस अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर रिलेट तो नहीं हो पाया मैं बताता हूं आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो प्ले स्टेशन का बहुत शौकीन है या आप में से कोई भी स्टूडेंट जो लड़कियां हैं उनकी बात करो मेजरली जिनको मेकअप के सामान के अंदर लिपस्टिक या जो भी आता है मुझे नहीं पता वो पुट्टी उट्टी क्या क्या लगाई जाती है चेहरे पे ठीक है तो वो मेकअप वो पेंट का डब्बा वब्बा जो भी होता है उनमें कोई भी सामान होगा उसका कोई मतलब कुछ तरीके के आर्टिकल या जिसे आपको पता है कई बारी नाइकी और एडिडास किसी तरीके के अपने शूज वगैरह लॉन्च करने वाले होते हैं कि भाई ये इस दिन को लॉन्च हो जाएगा वो तो क्या है जनरली स्टूडेंट कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए वी आर रियली फॉन्ड ऑफ हमें चाहिए ही चाहिए करके ठीक है और वी मेक सर्टेन अजम्पशंस इन आर हेड ऑन बेसिस ऑफ पास्ट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी कि ये इस प्राइस के आसपास आएगा इसमें मैं आईफोन भी लिखना चाहूंगा क्योंकि जो लोग आईफोन यूजर हैं एग्रेसिव मतलब जो बहुत ज्यादा आईफोन यूज करने में बिलीव करते हैं और बहुत बड़े फैन है आईफोन के उनके लिए भी बात ट्रू हो जाती है

जो भी आईफोन फोन सेवनटीन आने वाला है आएगा मतलब अभी तो सिक्सटीन आएगा बट मैं थोड़ा और मान लेता हूँ प्लांट को बनाने में सब में टाइम लगेगा तो जब तक आईफोन 17 आएगा तो वो प्रोडक्शन इंडिया में ही होगी ठीक है अज्यूमिंग दैट क्योंकि अब हमें यूएस से इंपोर्ट करना नहीं पड़ रहा तो वो जो टैक्सेस थे वो खत्म हो गए प्लस क्योंकि हमें यूएस से इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा तो वो बीच का ट्रांसपोर्टेशन भी खत्म हो गया इन सब का जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को मिल जाएगा ऐसा में एज्यूम करो बाकी आई एम नॉट श्योर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ईयर आईफोन के प्राइसेस के पास भी आईफोन आए हैं ठीक है पास्ट में जितने भी आए हैं रुपए तक होगा बट तो ले right? हुआ क्या जब वो लॉन्च हुआ तो जस्ट बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन वो लॉन्च हो गया एक लाख नाउ दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर व्हाट यू वांट टू पे

कि अब कंज्यूमर सरप्लस है कि हमें पता है कि वो चीज हमें यहां सस्ती मिल रही है लेकिन कई बार वगैरह इंपोज करने के बच सकता है या कुछ हो सकता है वो खत्म हो जाएगा जैसे मान लो इंडिया में मैं सामान मंगा रहा था तो मुझे लगता था सेवेंटी का मिलेगा बट फिफ्टी का मिल रहा था मैं ट्वेंटी रुपीज इंजॉय कर रहा था बट अब टैरिफ लगने की वजह से वो चीज महंगी हो गई तो वो जो एक्स्ट्रा जो मेरे को पे करने से बच रहा था अब तक मैं अब वो पे करना पड़ेगा राइट सो

Uh, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी इम्पोज कर रहे हो किसी ऐसी चीज के ऊपर जिसकी डिमांड इलास्टिक है स्टूडेंट्स इलास्टिक डिमांड रिकॉल क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स इलास्टिक डिमांड मतलब जो आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए अगर उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो आप जल्दी से उसके डिमांड जो है वो चेंज कर लोगे कि भाई नहीं यार इतना महंगा तो बाद में देखी जाएगी चल सब सस्ता होगा राइट तो अगर ऐसे गुड के ऊपर तुमने टैरिफ इंपोज कर दिया तो उससे होगा क्या उससे आपकी डिमांड जो है इंपोर्ट की वो कम हो जाएगी मुझे नहीं चाहिए भाई मैं कुछ और देख लूंगा इतना जरूरी नहीं है तो इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स कॉजिंग प्राइस द चेंज चेंज इन इन ट्रेड तो अब इसकी वजह से क्या होगा इसकी वजह से जो इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स कॉजिंग अ प्राइस गुड्सिंग रहा है कि तुम्हारे कंट्री में डिमांड कम होगी लेकिन जो तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो अगर मान लो कि डिमांड जो है वो इलास्टिक नहीं है तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा सामान एक्सपोर्ट हो जाएगा जिससे कि प्राइसेस जो है वो कम भी हो सकते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि ट्रेड इफेक्ट भी चेंज हो सकता है कॉम्पिटेटिव इफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि द किन ऑफ टैरिफ एलिमिनेट्स फॉरन कॉम्पिटिशन गिविंग मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज टू द प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्री विद ऑल इट्स इविल्स एंड इन एफिशियंसिज वो कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा इस केस के अंदर जो आपकी मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज है वो मिल जाएगा आपको क्योंकि जब आपकी कंट्रीज आएंगी

The imposition of tariff will restrict the spending of the people on foreign goods, but may result in increased domestic spending and hence national income as well as employment. अपोज़नबो क्या करेगा? अगर impose किया जाएगा tariff तो क्या करेगा? Will restrict the spending of the people on foreign goods, क्योंकि थोड़े महँगे होते हैं, but may result in increased domestic spending. देखो हो क्या रहा है कि आपकी कंट्री में जो है कि tariff लग गया। तो tariff लगने की वजह से क्या हुआ? जो रिस्ट्रिक्ट द स्पेंडिंग ऑफ द पीपल ऑन फॉरन गुड्स जो फॉरन के गुड्स है उसके ऊपर जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी बट में रिजल्ट इन इंक्रीज कॉम्पिटिशन इंक्रीज डोमेस्टिक स्पेंडिंग एन डोमेस्टिक नेशनल इनकम एज वेमेंट अपॉर्चुनिटीज ठीक है लेकिन इसकी वजह से होगा क्या इसकी वजह से यह होगा क्योंकि तुम्हारे देश में तो आ रहे हैं तो इसकी वजह से तुम्हारे देश में जो लोगों की स्पेंडिंग है ठीक है डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर वो बढ़ जाएगी क्योंकि तुम्हें यह देख रहा है कि भाई वहां से जो गुड्स आ रहे हैं और वो बड़े महंगे हैं टेरिफ लग गया वो हो गया तो अब लोगों को चाहिए उन चीजों की आदत में लग गई है अब आदत उन चीजों की लग गई है लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं आ रही टैरिफ्स की वजह से तो वो क्या करेंगे जो डोमेस्टिक लेवल पे जो गुड्स बन रहे हैं उन्हीं के ऊपर खर्चा करना शुरू करेंगे उससे क्या होगा डोमेस्टिक जो इनकम है वो भी इंक्रीज करेगी साथ में काम बढ़ेगा डोमेस्टिकली तो आपकी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी हाउएवर फॉर एन इकोनॉमी ऑपरेटिंग अंडर कंडीशन ऑफ फुल इंप्लॉयमेंट देखो ये वाली सिचुएशन ना ही पड़े तो क्योंकि ना फुल इंप्लायमेंट कभी किसी कंट्री में आता ही नहीं है ठीक है बट स्टिल अगर आपने थोड़ा बहुत इलेवन ट्वेल्थ ट्वेल्थ वाला माइक्रो इकनोमिक्स याद करोगे फुल इंप्लॉयमेंट के बियॉन्ड बियॉन्ड तुम कुछ भी करोगे ना तो वो सिर्फ इन्फ्लेशन रेज कर सकता है क्योंकि तुम ऑलरेडी सारा आउटपुट बना चुके हो उसके बाद भी तुम डिमांड कर रहे हो तो इट विल ओनली इंक्रीज द प्राइसेस एंड नथिंग एल्स एंड लास्ट ए बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट टैरिफ की वजह से जैसा कि मैंने आपसे कहा इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो आपकी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो स्टेटस इंप्रूव हो सकता है अगर आप डेफिसिट में हैं तो डेफिसिट से आप थोड़ा बहुत रिकवर होकर के सरप्लस की तरफ जा सकते हैं तो ये स्टूडेंट्स क्या है ये सारे हमने पढ़ लिए कि अगर टेरिव इंपोज किए जाएंगे तो उनके क्या क्या फायदे हैं ठीक है क्या 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 इफेक्ट हो सकते हैं कुछ फायदे में है कुछ नुकसान में है तो स्टूडेंट्स अभी तक सो so फार हमने ये पढ़ा कि टैरिफ्स का मतलब क्या है

आई जस्ट रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स कि ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि जो टाइप्स पढ़े ना अपने टाइलिप्स के इंपॉर्टेंट पार्ट आने के चांसेस है पूरे पूरे एग्जाम में तो हम श्योर उसे पढ़ लेंगे बाय तब तक स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं मैं आपसे टेक केयर